आखिरकार हमारी चाय आ गई, आखिरकार हमारा इंतजार खत्म हुआ। कैंपर लेके बैठा। यो मुंह यो मारो दोस्त, मैं एटे किल्ला कसी रहा है। तो तेजसा कितनी मेहनत लगा थी इसमें? पैसा कितना इकट्ठा हुआ लग रहा है? तो अपन रेडी हो गए सुबह सुबह, मतलब सुबह के 11:30 बज रही है। तो अभी ब्लॉग भी अपना अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो गया है ना, लेट हो गया है तो कुछ काम करने लग गए थे। और कहाँ निकल रहे, क्यों निकल रहे, किस लिए निकल रहे सब आपको बताते, और किससे मिलने जा रहे हैं ना, तो अपने किससे मिलने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं वो सब आपको पता लग जाएगा। तो इसी बात पर ब्लॉग पर बने रहिए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नए चैनल हो तो, जो नए नए मेम्बर है अपने। और अभी निकलते अपन, और अपने सब भाई लोग आए हुए हैं, ये सब मित्र जोनी के छोटे मोटे, ये मार साहब ठीक है, निकलता मैं, और कपिल है इधर, दामा बैठ फिर मैं आता हूँ, चाबी कहाँ है? ठीक है चलो, बाइक लेके नहीं जा रहा है? बाइक लेके जा रहा, तो कैसे जाऊँ, पैदल तो नहीं जाऊँगा, देबारी लेने आ रहा ना, ना मतलब मैं देबारी जा रहा हूँ, लेने आ रहा हूँ कब मैंने। तो चलो निकलते हैं अभी, और जाके मिलते हैं सब जोने के फ्रेंड आए हुए हैं, कब से आज मिले हैं, तो इनकी टॉक टॉक चल रही है ना, इनकी बातें शातें चल रही हैं, तो इनकी बातें होने दो, अपन भी अपने मित्रों से मिल के आते हैं। और किससे मिल रहे हैं वो आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा, गाड़ी एक बार अपन मुड़ा लेते हैं और यहाँ से फटाफट निकलते हैं अपनी टेस्टी नहीं गिरा है ना। निकलते हैं और बस फटाफट चलते हैं, और यहाँ से अपन को जाना है देबारी, तो अपन हाईवे टू हाईवे होकर 10 मिनट में पहुँचते हैं। भाई लोग वेट कर रहे हैं, यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं कहा चलो निकलते हैं ना। और अभी हल्की हल्की गर्मी पड़ रही है, हल्की उमस टाइप भी हो रही है, क्योंकि हुई थी कल बारिश, और अभी 2 दिन के लिए अलर्ट दे रखा है बारिश का और तूफान का, तो देखते हैं इसे क्या क्या है, कब बारिश आ रही है, फिर बारिश आएगी हल्की सी हरियाली होती है। गीतांजलि है ना, गीतांजलि आ गए, गीतांजलि कॉलेज के सामने, और गीतांजलि से अगर कल भी आना पड़ सकता है, कल अंदर जो घूमने से कॉल ले पड़ सकता है, आएंगे चल रहा है यहाँ पे, और ट्रक बीच में खड़ा हुआ है, और ट्रैफिक भी धीरे धीरे लग रहा है, तो ट्रैफिक को देखते हुए पीछे क्लास में दोनों साइड देखते हुए हम निकलेंगे। और अगर खाल जा रहे माधुरी इंडस्ट्री एरिया में, तो यहाँ पे सब कंपनियाँ और गाड़ियों की कंपनियाँ हैं, गाड़ी का शोरूम है यहाँ पे, सब जाना उस साइड जो पहाड़ दिख रहा है ना, उस साइड जाना अपन को, मतलब इस साइड जाना है ना। तो अपन अभी जाएंगे सीधे पुल पे, पुल पे जाके नीचे राइट मारेंगे, अभी पता चल रहा है रोड चढ़ेंगे, अभी यहाँ से उस नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों साइड से गाड़ी आ रही है, रिस्क लेंगे, जो अपना रोड है, जो अपना कट है, वहीं से मुड़ेंगे अपन, रिस्क नहीं लेंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे है ना, हाईवे पर रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ले लो हाईवे पर, जीवन के साथ कोई खेल छेड़छाड़ नहीं करने का, जीवन एक बार मिला शांति से जी लो, मज़े से जी लो, जितना जी सकते हो ना, एक टाइम बाद सबको जाना ही है ना। और गर्मी लग रही है भयंकर, गर्मी हाईवे पे, हमारे तो ठंडा है तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, समझ रहे गुलाब से ठंडा, देखते हैं कि तो क्या जो भी होता है यहाँ।
बंद होती है, अधिकतर बंद होती है मैं हाथ में सेट नहीं हुई है ना। सेट तो क्या होनी है, पल्सर से चलाता हूँ। अरे भैया जंप आवे जंप अच्छा है ना, जंप आवे जंप। धीरे धीरे देखते हुए निकलेंगे, अपन को सर्विस लाइन पकड़नी है ना, यहाँ से उतर जाते हैं यहीं से नीचे उतर जाते हैं। सर्विस लाइन पे भी देखते ही जाना पड़ेगा क्योंकि लापरवाही नहीं कर सकते, लापरवाही नहीं कर सकते है ना। हर चीज बोर्ड दिख गया था मेरे को ये वाला, सबसे पहले तो अपने क्या कहते हैं है? नहीं तो बधाई हो, आपको भी बधाई हो, आपको बधाई नहीं दे पाया था मैं। ये हमारा राजू बना, सबको देखा होगा राजू बना को नहीं देखा, और आपको भी बधाई हो। उधर जाके जा, आपको काले दिख रहे हैं, साफ दिखना चाहिए। काले आदमी को कैसे बुरा कर सकता हूँ मैं, ब्राइटनेस बढ़ाओ। हाँ बिल्कुल, अरे दिख क्यों नहीं रहा ये आदमी, कितना क्या पता कब तक फोन पे रहेगा, किस किस से बातें करता रहता है। बिजनेस और ये हमारे भाई साहब को फिर से बधाई हो, ये यहाँ पे दुकान वुकान खोले जब भी पूरी हो जाएगी कंप्लीट। और हमारे अजू बना स्टूडियो के मालिक, ये तो मालिक है, अभी खुद का एक ब्रांच खोलेंगे नहीं भी हो और अभी शादी भी होने वाली है तो उसी खुशी में ये देखो बिल्कुल मान ही नहीं रहे। कब से प्रोग्राम स्टार्ट है अपने, कार भेजूंगा ना मैं, तब भी पूरा ऐसा बताओगे? नहीं अभी बता दूंगा तो वो प्रोग्राम, ताकि पम्सा देख ले, पम्सा को पता चल जाए। अंदर कुछ छुपा है नहीं, ब्लैक मनी नहीं छुपा है अंदर? अच्छा ये काम वाम चल रहा है, सप्लाई वाई का मेन सा काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा क्या इतना एक डब्बे में, ये अच्छी पड़ेगा, और एक बाल्टी और भरेंगे अभी। क्या ला रहा हूँ, जो भी लाना दो लाना। किस साइड जा रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। दूसरी लाना मेंसर ऑफ एक्चुअली ले लो, मेंसर ऑफ ही ले लो। फ्रूटी ले लो मेंसर के लिए, हां फ्रूटी फ्रूटी मॉर्टन ड्यू को काम कर। ठीक है अजू बना, फिर मिलते हैं आपको, आप दुल्हे बनोगे फिर। अभी आपने हेलमेट पहने से मिलना हुआ है, बहुत टाइम बाद मिले अपन, ठीक है। हम अजू भैया जा रहे हैं अब, ये गाड़ी कॉलेज में ली थी ना, नई नई थी उस समय, बहुत टाइम हो गया, अभी वेल कंडीशन है। और क्या अभी मिलती नहीं है पता है, ये वाली नहीं मिल रही अब हल्की होती बिल्कुल गाड़िया। चलो तो आज गुलाब सा ले रहे, इसकी टेस्ट है, रुकना चलो गाड़ी यार, इधर भी जाना, चलो आते हैं हम। मेरे को चलाना नहीं आता है, मैं सीख रहा है, मैं ही चलाना है। ओ भैया ये क्या है, हाथ हाथ के नहीं लगे थे? हाँ तो राइडिंग के लिए ठीक है। अभी जा रहे हैं हम, एक हमारा भाई है उसको ढूंढने के लिए, वो एक नहीं है घर पे, देखते हैं एक बार राइडिंग के लिए निकल रहा तो। अरे दोपहर में जा रहे हैं, हाँ पर दोपहर में गर्मी में पता चाहिए, दोपहर तक निकल रहे हैं। हाँ अभी ये थोड़ा पीछे है, इसको सेट करना पड़ा टाइम का, सही से चल रहा है। तो अभी हमारा एक भाई पकड़ा गया, वो अभी नहीं मिलता, फोन नहीं उठा रहा था हमारा, सामने मिल गया था, तो अभी आ रहा हूँ एक जरा, देखते आता नहीं आता भाई है ना, नहीं आया ना, इसको देखने का टाइम दिया है, इतने दूर से मिलने आया हूँ मैं, सही है ना, ये दूर से मिलने आया हूँ। यहाँ कोने पे लगा, हाँ यहाँ लगा,
तो तेजसा कितनी मेहनत लगा थी इसमें? पैसा कितना एक खट्टा हुआ लग रहा है? अरे भाई करोड़ों रुपए कमाएगा फिर महीने की तरफ है ना। अच्छा जरूरी है जहाँ अपन इन्वेस्ट करते वहाँ से मिलता भी है, काम वाम चल रहा है, दुकान भी अच्छी है। और जब भी इसका नाम वाम सब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद बताएंगे पूरा। हाँ सुल्तान साहब काम करते हुए हमारे सेठ जी काम कर रहे हैं, मेहनत करनी पड़ती है, इसमें क्या है ना, हार्ड वर्क जरूरी है लाइफ में। और हमारे आदमी शुरू से हार्ड वर्क कर रहा है। और हमारे सुतार साहब मत कर कृपया आपने आगे डब्बा रखे ऐसे नहीं बैठे, डब्बा लेके बैठे ऐसे नहीं बैठे, कैंपल लेके बैठा। यो मुँह मारो दोस्त, मैं एटी किल्ला कसी रहा है। एक भाई से हमने चाय मंगाई है पर वो चाय वाला आदमी नहीं आ रहा हमारा, है ना। इतनी देर तो हमने चाय पत्ती उगा के बना भी थी, होती बहुत ही दुख की बात है भाई साहब, कब से चाय दे रहे, आ रहा बोला था हमको, अभी तक नहीं आ रहे हैं। एक डेढ़ घंटा हो गया, 5 मिनट बोल के अभी तक नहीं आए भाई, क्या पता कहाँ है। हमारे एक भाई भी आ गए, आखिरकार हमारी चाय आ गई, आखिरकार हमारा इंतजार खत्म हुआ, चाय आ गई हमारी। और भाई साहब अरे गोप्रो फोन कर बढ़ाया था, आदमी मिलता ही नहीं हमने। अरे यार आज मिला है, सालों के बाद आज मिला है आदमी। या जाने दो भैया, जाने दो, ना वैसे ये भी आएंगे, इनको भी घंटा भर और लगेगा। ठीक है तो मिलते हैं, ओके बहुत जल्द शेयर। ठीक है भैया करो ये काम वाम पूरा, फिर आता हूँ मैं। कब है अपने, एक बार बता देना ओपनिंग का कब है। ठीक है चलता हूँ, भूख लगी है। बे चाय वाय लो तेजू, हाँ बैठ युगल दो तो अभी तेरा गुलाब साहब का, इन तीनों का यहाँ पे अड्डा बना दो, अब तीनों के यहीं बैठने का है, गुलाब साहब भी आ जाएंगे। ठीक है चलो मिलते भी है ना, ओके। तो निकल चुके हैं अपन तेजसा की दुकान से, है ना, तो अब निकलते हैं कुछ तेजसा। कुछ टाइम में यहाँ पे दुकान हुई है, कुछ 2-3 दिन में, 4 दिन में लास्ट, ये 3-4 दिन है इसमें कपड़ों की ओपनिंग करने वाले हैं, कपड़ों की मतलब दुकान की ओपनिंग हो रही है ना। तो यहाँ पे काम चल रहा था तो मैंने कहा चलो एक बार देख करके आते हैं, जाके तो आते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा भयंकर का हो रहा है ट्रैफिक, है ना, भयंकर का हो रहा है ट्रैफिक। तो अपन थोड़ा देखते हुए क्रॉस करते हुए निकलेंगे, अब उनको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, है ना, लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा अपन को। वेबसाइट जाएंगे अभी अपन, वहाँ आगे जाते हैं चौराहे से निकलते हैं ना, काफ़ी इतने देर। तो ले लिया
भैया ने रोक ली थी गाड़ी, तो अपन ने सोचा फर्स्ट से ले लेते हैं ना धीरे से, चलते हैं। और गर्मी आज है थोड़ी ऑलमोस्ट टाइप, और मौसम बारिश का हो गया है, आपको दिख ही रहा होगा आगे बारिश जैसा हो गया, तो अपन रूम पे पहुंच जाते फिर उसके जितने बारिश देख सकते हो सनी देओल कैसा जा रहा है ना, और आगे से आ रहा ट्रक भैया, आगे से आ रहा ट्रक, अपन ने सही किया जो भी किया वो, तो 3XO नहीं नहीं कोई लेके जा रहा है, किसी को मिल गई डिलीवरी 3XO का फर्स्ट, वो निकल गया होगा लोड, और पीछे दिखी रहे ले आए हो, बीच में कहाँ ले आए, इसलिए खड़ा था थोड़ा सा इंतज़ार करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अचानक से उसके ऊपर वेट है ना पूरा, इतना वजन है उसके ऊपर कि गाड़ी बाउल पीछे आ सकती है, एक दो भाई में देखे फट से आए कट मार के निकल गए, गाड़ी उसी टाइम पीछे आ जाती तो ऐसी क्या बहुत सी लापरवाही होती है, इसलिए थोड़ी देर आप एक दो मिनट में खड़ा हो गया ट्रक निकला फिर निकला मैं, तो इन चीज़ों से कुछ हो नहीं जाएगा है ना, थोड़ा सा रुक जाएगा करो ऐसे जब ट्रक खड़ा हो इधर पीछे आ सकता है उसका सिर्फ इतना होना भी उसके सिर में लग गया ना तो ख़त्म हो जाएगा मामला, कोई मतलब नहीं रहेगा। और आ गए हैं अपन, तो आ गए हैं अपनी कॉलोनी में ना, अब जाते धीरे धीरे, इतना अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा है कि लेट टाइप छाया आ रही है, तो अब जैसे थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है और जैसे दिक्कत वाली बात नहीं है, ठंडा ठंडा हो गया मौसम बस, अपनी गाड़ी भी चल चुकी है 28,960 किलोमीटर है ना, तो 29,000 हो जाएगी, पापा से बात कर लूँगा होगा तो फिर गाड़ी सर्विस करा के ही लेके जाएंगे, क्योंकि पापा को भी 23 से स्कूल जाना था है ना, तो अपन साथ में से गाड़ी सर्विस करा के लेके जाएंगे कर लेंगे। ओहो माने नहीं रहा है,